हेलो, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम यूज़ करेंगे एक छोटे छोटे कतरन जैसे टुकड़े जो हमारे पास बचे हुए रहते हैं, उनमें से एक छोटे से टुकड़े का यूज़ करेंगे हम। आज भी हम कपड़े का यूज़ ही करेंगे, तो आज मैंने एक कपड़ा लिया है, उसे इस तरह से सीधा सेंटर में कट कर लेना है। और यहाँ से हमें इस तरह से मार्क करके वहाँ से कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और जो हमारा पार्ट है ये इस तरह से डबल फोल्ड था, तो अभी इससे इस तरह से शेप आएगा इसका। और इसका मेज़रमेंट है 8.5 बाय 13 इंच। ऊपर की साइड से थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप था। अगर आपके पास सीधा पार्ट है तो आप उसे राउंड थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना भी दे। और अब हमें क्या करना है, तो फॉर्म सीट और नॉन वन के साथ इसे इस तरह से लाइनिंग करके इसे क्विल्ट कर लेना है। अब हमें जो नीचे का पार्ट है हमारा, वहाँ पे एक जिप को अटैच कर लेना है, ये देखिए इस तरह से हमें, और वहाँ पे प्रेस स्टिच कर लेना है। और उसी के साथ हमें वहाँ पे एक रनर को भी अटैच कर लेना है, ये देखिए हमारे जिप के अंदर रनर अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो 3 इंच जितना मेज़रमेंट लेना है और वहाँ पे सेंटर में बीच में से फोल्ड करके वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेना है। 3 इंच पे मार्किंग करके फिर वहाँ पे क्रॉस मार्क करके वहाँ पे एक वेलग्रो को अटैच कर लेना है हमें। ये वेलग्रो को आप पहले अटैच करिए ताकि फिर हम जो बाद में पॉकेट बनाएंगे वहाँ पे उसी के ऊपर स्टिच ना आ जाए इसीलिए। अब हमें क्या करना है, तो उसी के नाप का एक नॉन वन का पार्ट लेना है और फिर जिप के साथ उसे अटैच कर लेना है, ये देखिए इस तरह से पूरा इसी के नाप का लेना है। अब हमें क्या करना है, जो राउंड शेप हमने हल्का सा दिया था वहाँ पे 2 इंच पे मार्क करना है और इसे फोल्ड करके नीचे की साइड जो हमने पॉकेट के लिए नॉन वन लिया है एक्स्ट्रा, उसे वहाँ पे मार्क कर लेना है। और वहाँ जो मार्क करने के बाद हमें वहाँ पे कट लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से हमें वहाँ पे कट कर लेना है। अब जो हमने कट किया है लगाया है वहाँ पे हमें एक और जिप को अटैच कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। फिर जिप को उल्टा रखना है पार्ट के ऊपर और फिर वहाँ पे हमें स्टिच लगा लेना है, ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर लेना है और उसी के ऊपर हमें प्रेस स्टिच भी कर लेना है। अब जो हमारा सेकंड जो कट किया हुआ दूसरा पार्ट था उसे भी इसी तरह अटैच करके वहाँ पे हमें जिप में रनर को भी अटैच कर लेना है। रनर अटैच हो जाने के बाद हमें पूरा राउंड में इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। अब जो साइड में एक्स्ट्रा नॉन वन का पार्ट बचा हुआ है उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है और कट लगाने जो है ज़्यादा उसे निकाल लेना है। और अब हमें क्या करना है, तो ऊपर की साइड से फिर से हमें 4 इंच पे मार्क कर लेना है और 4 इंच पे मार्क करने के बाद हमें इस तरह से वहाँ पे एक स्टिच लगा लेना है ताकि हमारा स्टिच एक पॉकेट बन के रेडी हो जाए। दोनों सेपरेट पॉकेट बन जाएगा, हमारा नीचे की साइड की और ये ऊपर की साइड का। अब हमें क्या करना है, तो वेलग्रो जो हमने फर्स्ट अटैच किया था उसका सेकंड पार्ट ऊपर की साइड हमें अटैच कर लेना है, ये देखिए ऊपर की साइड हमें इस तरह से कुछ अटैच कर लेना है। और वेलग्रो ऊपर का अटैच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो जो हमारा नीचे का जिप जो हमने अटैच किया था वहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग को अटैच कर लेना है, स्ट्रिप लेनी है और उसे इस तरह से नीचे इसकी साइड से स्टिच करते जाना है और वहाँ पे हमें अटैच कर लेना है। और इस तरह से फोल्ड करके फिर उसे इस तरह से अटैच कर लेना है फिर से। अब हमें क्या करना है, जो हमने सेंटर में स्टिच किया था वहाँ से फोल्ड करना है और दोनों साइड एक एक स्टिच लगा लेना है। ये देखिए हमारे दोनों साइड एक एक स्टिच लग चुका है। अब वहाँ पे भी हमें इसी तरह एक स्ट्रिप लेनी है और उसे भी इस तरह से पट्टी को पाइपिंग की तरह अटैच कर लेना है, ये देखिए। इस तरह से हमें अटैच कर लेना है, ये देखिए। हमारे इस छोटे से कपड़े का ये रियूज़ किया है हमने, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए प्यारा सा छोटा सा 3 पॉकेट वाला हमारा पर्स बन के रेडी हो चुका है।
आप इसे कैसे भी चाहे मार्केट में जाएंगे तो मोबाइल भी इसके अंदर आ जाएगा, तो आप कैसे भी चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो इससे इस तरह से फ्लावर अटैच करके भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।